जय श्री राम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वाले ब्लॉग में। दोस्तों आज आपका भाई आया है बसोली में रामलीला देखने के लिए। तो अभी देख सकते हो मेरा दोस्त बानू मिल गया मुझे यहाँ पे, और ये अपने दोस्तों के साथ आया है। ये रहा है इसका दोस्त, क्या नाम है भाई तेरा? अभिषेक इसका नाम है। भाई कब आए थे यहाँ पे आप लोग? अभी आए। अभी भाई कब से हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? 10 मिनट हुए अभी। अच्छा ठीक है। ये देखो जहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं आज रामलीला देखने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, रामलीला में आपका बहुत स्वागत है। और बताओ भाई क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। आओ बताओ। हम भी बढ़िया। 2000 2000 सब्सक्राइबर। हाँ। इधर 2 सब्सक्राइबर नहीं मिलते। चलो कोई ना, मजा आ रहा है रामलीला देखने को। और मजा आ रहा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा मेरा। ठीक है। तो फिलहाल गाइस अभी बज रही है रात के 10 और फाइनली हम लोग जा रहे हैं बसोली से वापस। बाकी चलते हैं दोस्तों बसोली में। देख सकते हो कितनी ज़्यादा इस टाइम भीड़ लगी है। मेरे साथ में यहाँ पे सोनू भैया भी है। भैया क्या हाल चाल, मज़ा आया? बड़ा ज़्यादा मज़ा आया गाइस रामलीला देखने के लिए। ये देखो जहाँ पे झूले भी लगे हैं, बड़ी ज़्यादा भीड़ है यार, लोग जहाँ पे झूले झूल रहे हैं मस्त। तो अभी दोस्तों हम लोग बसोली से गदरो उड़ाए हैं रामलीला देखने के लिए। डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ में, तो आज उनका रावण का पार्ट है। और गाइस अभी जलती है रामलीला देखती है। जय श्री राम दोस्तों, जहाँ पे हो रही है अभी रामलीला, तो देख सकते हो इतने सारे कुछ लोग आए हैं यहाँ पे। अरे को चुप रहना ना समझना, तुम भी जरा आगे पीछे देखकर आगे बढ़ना। महाराज का जय हो जलाल,
और हजूर के आगे सर हिलाने की किसकी मजाल है। महाराज के कदम जिस तरफ बढ़ गए वहां फतह, कदम चूमती हुई गुलाम हुई। कहां लंका की शान चाहिए और कहां मोहने दसों की बात चाहिए। ये संदेह हमारी सुरंदी को देखकर पासे राजा हसीदों के चाप देता होगा। जब हमारी किस्मत का तेज आसमान पर घूमता होगा। सीता मेरी जान बाकी मान की मालिक सीता तू बाक्या ही सीता है मगर मेरी जान का भतीजा है। दिल में एक दर्द होगा आंखों से आंसू गिराए बैठे बिठाए ना जाने क्या खूब याद आए। सीता ओ सीता क्या प्यारा नाम है सीता। ओ सीता अगर तुझे मैंने चांदर में नहीं जीता मैं अपनी खुदे जीती जाएगी और अपने दीदार हाथों से जयमाला रावण को बनाएगी। बिना शक अब तू रावण की पटरानी कहलाएगी और तेरे हुस्न की रोशनी मेरी लंका में चारों तरफ जगमगाएगी। ऐ मेरे दिल येरा सबर का इस कदर मत उछल बल्कि इसमें तेरा भी क्या कसूर है। बल्कि इस प्यारे नाम ही कुछ ऐसा सुरूर है जिसको सुनकर तू समय से पहले डर रहा है और मेरे दिल में फड़क रहा है। ऐ मेरी किस्मत दिलदार हो और मेरी सहायता के लिए तैयार हो। ऐ तकदीर आज तेरे आजमाइश की जाएगी। यकीनन मुझे उम्मीद है कि तू इस बार मुझे ना उम्मीदी का मोह नहीं दिखाएगी। श्रोम नगा तुम महलों में विश्राम करो। मुझे तो आराम तब ही मिलेगा जब उन दोनों का जनाजा मेरी आंखों के सामने से उठेगा। ओ बहना निराश न हो। रावण तेरे पार का बंदरा चोर समेत लेगा जो कहते नाक कान सिर तेरे फिर जिंदा रहे जमाने में। अगर मैं नल से बदला लूं तो तू तेरे तुझे रावण की दिलदार धर्मले सब लोग आने में नाभी तेरे कान में जाता हूँ और उसे नाक कान का किसा मजा चिढ़ाते हो। धमकी है बारों प्यार तो ना बिसराई नाक अपनी नहीं बहना नाक मेरी है कटाई। अब शिविर होगी और लंका की लड़ाई खत्म होगा प्यारे या होगी लंका की सफाई। जाओ मुझे कान की आवश्यकता है। मेरे सिपाही तुम भी आराम करो। करने से पहले मुझे
क्षमा की बात याद आती है और दिल में यूं ही मेरे शंका पड़ जाती है, क्योंकि मेरे भाई खंडूषण मेरे ही समान पराक्रमी थे, उन्हें जीतना बिल्कुल असंभव था। अगर एक अकेली ताकत न, अगर एक अकेली ताकत न मेरे बहादुर भाई खंडूषण का काम तमाम किया तो फिर निश्चय सिद्ध हो चुका है नारायण अवतार लिया। अच्छा, अगर वो नारायण है तो पैर का बंधन पैर से रखूंगा और उनके द्वारा इस बंधन से मुक्ति पाऊंगा। राम अगर सदान्य पुरुष हुआ, राम अगर सदान्य पुरुष हुआ तो मेरे पैर से भाग जाएगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। बापी के विधान क्या लेख लिखा है, अरे से जीतना मिलेगी चुप्पी मुझे, अरे से ऋण में मिलेगी मुक्ति मुझे। जहाँ तो उनके हाथों मरकर परम धाम को जाऊंगा, जहाँ तो राम की मृत्यु मेरे हाथों कर रावण मोक्ष को प्राप्त करेगा। मगर अकेले में ये काम करना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर एक साथी और मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार है। मगर कौन है वो साथी जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरा बेड़ा पार कर जाए, सोचना पड़ेगा। याद आया बड़ा तीर्थदार है और इस काम करने के लिए बिल्कुल शार है। मैं अभी जाता हूँ और उसको हम अपूर्व राज बनाता हूँ, शर से कवर से और उसके जड़ को उड़ाता हूँ। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जहां रात पड़ी वही विश्राम है। लीजिए महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी माया है? देवी, अगर भिक्षा देनी है और थोड़ा सा बाहर आके दीजिए। तुमने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया, बल्कि अपनी जुदाई से असल पे निकाल दिया। ना मैं कोई साधु हूँ ना ही कोई सन्यासी, दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जहां तुम जैसी चांदनुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। ज्ञान की चंद्रमुखी नहीं चिंगारी है, जिसके जाते ही तुम्हारी लंका भस्म हो जाएगी। वही सूर्यवंशी जिनकी किरणों को तू हन किया जा रहा है।
सीता हरण नहीं, रावण तेरा काल है। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। तो फिर आइए। कहाँ? और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? जानून में। हाँ हाँ, मालूम हुआ तेरी तो सिर्फ शक्ल ही शक्ल है, दरअसल तू बिल्कुल बेअकल है। अरे निदान, जरा सोच तो सही, कब तक इन जंगलों का निर्वाह करेगी और अपनी जिंदगी तबाह करेगी? 14 साल का तो, 14 साल का तो एक बहाना है बनना, इन बचारों को इन जंगलों में पट पट कर मर जाना है। मेरे साथ चलेगी, रावण की पगड़ी जलेगी और पूरी लंका तेरे चरणों में से झुकाएगी। तो अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं 1:30 और फाइनली अभी मैं अपने गांव में आ गया हूँ। आज दोस्तों मैंने दो जगह पे रामलीला देखी, भाई मजा आ गया रामलीला देख के। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना आपको कितना मजा आया। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे
मजे से अभी मैं सोऊंगा। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा जे वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।